गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये बन रहा है उपमा। ये है मेरे किचन की हालत। घर के अभी कुछ भी काम नहीं हुए हैं, सो यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली मॉर्निंग के टाइम पे देख रही है भूल भुलैया मूवी। सो आज हम सोच रहे हैं कि कहाँ घूमने जा सकते हैं। सो ओवरवाइज इसलिए करना पड़ा कि कॉपीराइट ना आ जाए। सो मॉर्निंग के जो काम होते हैं ना, वो पेंडिंग है अभी। सो उपमा बन के रेडी है, अश्मि जी को दे आते हैं। वीडियो में बने रहना, आगे तक बड़ा मज़ा आने वाला है। सो उपमा अश्मि जी को देते हैं और अश्मि जी का डांस देखते हैं। ये विषय अपनी मामी से और अपने भांजे से बात कर रहे। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान है जो कि हैरी की मालिश कर रहे हैं। मालिश, वाह हैरी, ऐसे तो कभी विषय की मालिश भी नहीं हुई है। गाइस, आज हैरी की शामत है। हाँ, हैरी सोच रहे होंगे कि पापा तो आज ऐसी मालिश कर रहे हैं, विशु टरक लेके एक ही हमारे शैतान बच्चे, दो दो बच्चे हैं, संभालने मुश्किल हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अश्विन जी को तो बड़ा मजा आ रही है, देखो वो टरक लेके आएगा तो उसका टरक फेंक देंगे। सो ये हैरी की शामत आ गई, ठीक है। अश्विन जी गर्दन की भी मसाज कर रहे हैं, कानों की भी मसाज कर रहे हैं, सभी जगहों की मसाज अच्छे से कर रहे हैं वो, ठीक है। और आज मेरे को लगता है मेरा सारा कोकोनट ऑयल खत्म हो जाएगा। क्यों भाई हैरी? हैरी पापा मालिश करने। मालिश, आप तो बहुत लकी हो। हाँ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गढ़वाली माँ। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मैं ठीक ठाक हूँ। अभी मेरा कोई ड्रामा आप लोगों के सामने नहीं आएगा, मैं बहुत ड्रामेबाज हूँ। मैं ड्रामा ही करती रहती हूँ, कभी किसी चीज़ का, कभी पेट में दर्द, कभी कुछ कभी कुछ। मेरी ये बोरिंग बातें अभी आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगी। मैं प्रे करती हूँ भगवान जी से कि ना मिले, वैसे तो मिलती ही रहती हैं। सो अभी आज क्या है ना, आज है संडे और हम लोग जा रहे हैं घूमी घूमी करने, बहुत टाइम बाद, ठीक है। बहुत टाइम बाद मतलब बहुत टाइम बाद कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि पहले हम बहुत किया करते थे और अब नहीं करते हैं, है ना। कहाँ जा रहे हैं इसमें जी, आप बता दो। चलो, टाइम खराब करने हैं। टाइम खराब करने का मतलब समझते हो आप क्या कह रहे हैं अश्विन जी? क्योंकि हम मूवी देखने जा रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि मूवी देखने में टाइम खराब होता है जब हम पिक्चर हॉल में जाते हैं, और जब हम घर पे मूवी देखते हैं ना तब कुछ नहीं, तब आराम से रिलैक्स होके मूवी देखना है, अपना फोन चलाना है ना। और जब बीवी को लेके जाना है ना तब टाइम खराब होना है। पैसे क्यों? पैसे का टोटल हुआ भाई, हाँ वो पैसे लगते हैं ना। तो घर पर नेट है, उसमें तो कभी भी देखो। सबसे बड़ी बात अभी पता क्या है, अभी बीजू का भी टिकट लगेगा। हाँ तो खा लेते हैं और बेबी को फीड करा देते हैं और उसके बाद फिर हम चलते हैं। कपड़े गंदे हो जाएंगे, ये बच्चे देख रहे हो, जाने से पहले ही अपने सारे कपड़े गंदे कर देते हैं और उस टाइम पे इतना बुरा लगता है ना कि बच्चों को रेडी करो और बच्चे सब बेकार कर देते हैं। सो गाइस, मैं ना आपको एक चीज और दिखाना चाहती हूँ। जाते जाते ना, अभी तो मैं गई नहीं हूँ, खैर ये ना मैंने अपने बाल बनाए हैं और आप देख रहे हो ये कितने सारे मेरे बाल झड़ रहे हैं ना, मतलब गुच्छा। ओ, 3 किलो वजन इसी का कम हुआ है लग रहा तुम्हारा। हाँ बाबू, 3 किलो वजन इसी का कम हुआ है, गुच्छों को गुच्छा निकल रहा है, इसलिए मैंने आज छुट्टियां बना ली इस तरीके से। सो बेबी को देखते हैं और बेबी को दूध पिलाते हैं। मैं यहाँ पे ऑलरेडी बना के गई थी, ये देखिए ये वाला दूध पिला देते हैं, क्योंकि ना मैं अपना फीड कराती हूँ पर मेरा ना कम होता है, तो इसलिए मैं ये साथ में ये फॉर्मूला मिल्क भी देती हूँ। क्यों विशु, आपने कप्पे गंदे कर दिए है ना?
तो यहाँ पे मुझे बना रहे हैं गर्मा गर्म चाय मेरी अपनी अपनी मम्मी के लिए और मेरी सासू मम्मी के लिए। वो दूध में उबाल आ गया भी हम घूमने जाते हैं ना तो हम उनको चाय पहले ही बना के देके जाते हैं ताकि उनको चाय की तलब ना लगे, वो उनको चाय बहुत अच्छी लगती है। और अभी उठाते हैं अपने क्यूटू से महाराज को और व्लॉग बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा मेरी बातों में। और मेरे क्यूटू बेबी छोरे हरी स्माइल कर ले हरी हरी। सो फ्रेंड्स आपको पता है मैं ना सुबह 9:30 बजे से हम जाने की तैयारी में हैं और अभी दिन के 3:30 बज चुके हैं। बेबी के साथ ना कुछ भी जल्दी नहीं होता है, आपको ना बहुत सारा टाइम लेके चलना होता है। सो अश्मित जी बोलते हैं जल्दी करो सारी चीज़ें, मैं जल्दी करने की कोशिश करती हूँ बट कुछ ना कुछ रह ही जाता है। जैसे कि अभी बेबी को दूध पिलाया उसके बाद बेबी ने पॉटी कर दी जी हाँ, तो पहले उनको डकार दिलाएंगे उसके बाद उनकी नैपी चेंज करेंगे, नैपी चेंज करने के बाद फिर चलते हैं। सो हैरी हैरी कहाँ है, हैरी तो अपना हैरी दिखाओ सबको हैरी हैरी हाँ फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं अल्फावन मॉल और अश्मित जी उधर ले रहे हैं टिकट। ठीक है अभी मैं यहाँ पे हूँ, बेबी भी अश्मित जी के साथ ही है। आई डोंट नो कि आपको मेरा वॉइस आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा और हम मूवी देखने वाले हैं बधाई। ठीक है हम एक और था जो दूसरा था वो भी मॉल था क्या, वो शॉपिंग मॉल था वहाँ पे भी छोटा मोटा फूड कोर्ट वगैरह थे बस थोड़े छोटे से थे तो हम वहाँ पे भी गए थे बट वहाँ पे क्या था ना पूरी सीटें फुल हो चुकी थी तो फिर हमें अल्फा वन मॉल आना पड़ा। अभी टिकट हो गई है पूरी यहाँ, सो 3 ईयर के बेबी का भी फुल टिकट लगता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट एक्सपीरियंस अभी हुआ है तो पहले नहीं पता था, पहले ऐसा था कि हाफ टिकट लगता है। तो अभी चलते हैं मूवी देखने बधाई। सो गाइस अभी हमारी माता जी का फोन आ गया था तो वो बोलने लगे कि लल्ला टीवी बंद कर दो। ये देखो हमारी मम्मी को देख रहे हो आप कि लल्ला टीवी बंद कर दो, तो हमने बोला इतनी दूर से टीवी बंद नहीं होगा, आप एक काम करो आप सो जाओ। तो वो आराम से सो रहे हैं। ये ना सबसे अच्छा कर दिया अश्मित जी ने ना कैमरे का लगा के, इससे क्या है ना हम बेबी को भी इजीली देख सकते हैं और सारी चीज़ें देख सकते हैं कि घर को क्या क्या हो रहा है। सो अश्मित जी थैंक यू। पिक्चर खत्म।
बेबी पिक्चर कैसी लगी? ये आराम से देख रहे थे भाई, मैं क्या लू इतना मजे में। ये तो सो गया था मेरा। और ये है, ये सबसे ज्यादा बड़ा बेटा सो गया। है विशु पिक्चर कैसी थी? अच्छा अच्छा जी, क्या बोल रहे, पिक्चर अच्छी नहीं थी? तो आपको आपको ये बैलून दिखाई दे रहे हैं? ये किस चीज के लिए लगाए गए हैं? ये वैलेंटाइन डे के लिए। बाबा ऐसा नहीं है। तो पीछे का आप देखोगे ना, इधर घूमो, इधर 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 ये कितने सारे बैलून हैं। आ जाओ, उससे बहुत अच्छा लगा। आ जाओ, आइसक्रीम, लॉलीपॉप, आ जाओ। बहुत टाइम से जिद कर रहे थे कि मम्मा मुझे ना ये वाली गाड़ी चाहिए, मुझे ना ये वाली गाड़ी चाहिए। तो विशु के चाचा ने सोचा कि चलो अभी हम विशु ये वाली गाड़ी दिला देते हैं। फाइनली मतलब दिलाई नहीं है उसको, एक चक्कर लगवाया है। सोचने जी गए हैं उसके साथ, और भैया भी रहते हैं साथ में ना, तो बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि जिस बच्चे को पता रहता है तो वो अकेले कर सकता है, बट विशु को उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है। तो विशु के साथ भैया है, अश्विन जी हैं, और वो बहुत अच्छे से कर रहा है। देखो विशु कैसा लग रहा है? हैं, अच्छा लग रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये गंदा हो रहा है। ये बेबी के लिए, बेबी के लिए, मम्मा बेबी, मम्मा बेबी, मम्मा बेबी का डायपर चेक करती है। ये गंदे से बेबी ने अपना डायपर गंदा कर दिया है, डायपर। और मम्मा यहाँ पे चेंज करेगी हैरी का डायपर। ओ अब क्या होगा? अब विशु को तो बस लॉलीपॉप खाना है, लॉलीपॉप खाना है। सो या फ्रेंड, यहाँ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। आपको हैंड वॉश मिल जाता है, पानी मिल जाता है, एंड टिश्यू पेपर मिल जाता है, और आपको हाथ सुखाने के लिए ये एयर वाला भी मिल जाता है। बाकी और तो कुछ नहीं अवेलेबल है यहाँ पे। और आपको ये कुछ शीट मिल जाती है जिसमें बैठ के आप दूध बेबी को पिला सकते हैं। और यहाँ पे हमारे बेबी ने फीड कर लिया है, चिक 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 चिक। अभी हम घर चलते हैं, आ जाओ। और हाँ, जिसमें मैंने वो बताया ना आपको, एक वीडियो है मेरा जिसमें मैंने बताया हुआ है कि बेबी से दूध का बॉटल कैसे छुड़वाएं। सो उसमें जो एक पिक लगा हुआ है ना, वो यहीं का है जिसमें विशु मेरी गोदी में है ना श्री जी। ये बच्चा मेरे कपड़े खराब कर रहा है। कौन सा ये बच्चा? नहीं कर रहा है भाई, नहीं कर रहा है। टक्की टक्की ले लो, टक्की टक्की, चलो विशु हाय करो। हैरी 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 हैरी। सो गाइस, हमने मूवी भी देख ली है, मॉल भी घूम लिया है, और काफ़ी भी लिया है, विशु को राइड भी करा दी है। अभी हम चलते हैं घर। बट एक चीज़ पेंडिंग है, विशु का लॉलीपॉप एंड फालूदा, वो हमें खाना है अभी। सो अभी हम पार्किंग में आ चुके हैं। क्या बोल रहे हो? घर पे आ गए आप? हेलमेट पहन के? ओके पापा आ गए।